हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रेसिपीज़ को ट्राई इंजॉय कर रहे होंगे। पनीर की सब्ज़ी आपने बहुत तरीके से बनाई होगी। अगर इस तरीके से आपने ट्राई किया ना, तो और बाकी सभी तरीके को आप अगली बार से ट्राई नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच करें, इसे स्किप करके मत देखें। वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें। तो आइए फिर शुरू करते हैं रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को एक लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को याद से प्रेस कर ले। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है पनीर, अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल, इसको हम रिफाइंड ऑयल में बनाने वाले हैं। तो 5 से 6 बड़ा चम्मच हमने डाला रिफाइंड ऑयल, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसमें डालेंगे हम 4 प्याज, इसको हम फ्राई कर लेंगे, इसको साबुत ही डाला है इसके अंदर। और साथ ही में डाल देंगे टमाटर, तो टमाटर भी हमने लिए हैं 4। साथ में डाल देंगे लहसुन और अदरक, अदरक और लहसुन का छिलका हमने निकाल लिया है, और अदरक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसकी ग्रेवी बनाना भी बहुत आसान है, ये रेसिपी भी बहुत आसान है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गई, इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और लहसुन को अच्छे से फ्राई होने देंगे। टमाटर, प्याज और अदरक को हमने निकाल लिया, लहसुन को और भी फ्राई होने देंगे। इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और इसको भी हम निकाल लेंगे, और सेम तेल में ही हम डाल लेंगे पनीर। पनीर के क्यूब ऐसे ही मार्केट से मैं लाई ना, इस तरीके से बड़े बड़े ब्रिक ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस नहीं करने, इसको फ्राई करने के बाद इसके छोटे पीसेस करेंगे। कोई तामझाम नहीं, लेकिन बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे भी एक स्ट्रेनर में इस तरीके से निकाल लेंगे। आप जब भी इस तरीके से इस पनीर की रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, आपके घर में तारीफ़ की पुल बनेंगे आपके। आप देखना, प्याज टमाटर के साथ पनीर भी फ्राई हो गई। अब इसमें डाल दिया हमने लाल और हरी शिमला मिर्च, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है इस सब्ज़ी में। तो आपके पास रेड वाली ना हो तो आप सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने फुल रखा है, आप तेल देख सकते हैं, बिल्कुल भी तेल खत्म नहीं हुआ है। मैं तो इसकी ग्रेवी बटर के साथ बनाने वाली हूँ। अगर आप इसे रिफाइंड ऑयल में ही कुक करना चाहते हैं, तो सेम तेल का इस्तेमाल करके आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, इसी तेल में आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि वो भी इस तरीके से पनीर की ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सके। फेस्टिवल का सीज़न है, अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का टाइम आने वाला है, तो इस तरीके से इस रेसिपी को भी आप ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुकी है, इसे एक साइड में रख देंगे, और पनीर जो हमने फ्राई करके रखा ना, उसके भी हम पीसेस कर लेंगे। तो आप जितने बड़े पीसेज रखना चाहते हैं उतने बड़े पीसेज इसके कर ले, बहुत छोटा मैं नहीं रखने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं बड़े बड़े पीसेज ही कट करूँगी, आप अपने पसंद के हिसाब से इसके पीसेस कट कर सकते हैं। और इसे दोबारा हमें फ्राई नहीं करना है, ये इस तरीके से ही इसको हम ग्रेवी में ऐड करेंगे, और ये बहुत ही लाजवाब लगेगी, ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार भी हो गया। ऐसा नहीं है कि टाइट हो जाता है ना, कितनी बार पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा पनीर को फ्राई कर देने से ना पनीर टाइट हो जाता है, तो अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो पनीर टाइट भी नहीं होगी, ये बिल्कुल सॉफ्ट भी होगी, और इसको फ्राई करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो इसके हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और उसके अंदर डालेंगे टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक। टमाटर का छिलका हमने निकाल दिया है, और इसको हम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो इसको पीसने से पहले इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पुदीना के पत्ते, और 1 कटोरी हम डालेंगे धनिया की पत्ती, फ्रेश हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर, और इस मसाले को अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने लगा दिया है ढक्कन और पीस कर तैयार कर लिया, ये मसाला रेडी है। अब एक पैन में डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब बटर, बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बटर की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का, और उसमें डालेंगे ये मसाले जो हमने पीस कर तैयार किए हैं, और इसे हमें अच्छे से भुनना है। तो गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे, इसे बहुत देर हमें नहीं भुनना है, बहुत कम टाइम में ही ये अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगी। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च,
साथ ही में हम बाकी के बचे हुए मसाले भी ऐड कर देंगे। तो आपको तीखा खाना है तो आप तीखी वाली लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी बनानी है। तो ये हमने डाल दिया नमक, और साथ में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब करेंगे हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स इस तरीके से, और गैस का फ्लेम हमने स्लो टू मीडियम रखा है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। इस रेसिपी को आप बनाइएगा, ये रेसिपी आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है। मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक पहले भुनेंगे। तो ये देखिए मसाले को भुनते हुए 3 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही में डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, हाथों से इस तरीके से क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी डालना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके की रेसिपी में ना कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पर्सनली ना कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत पसंद है। और साथ ही में इसमें डालेंगे अमूल क्रीम, मैंने अमूल क्रीम का इस्तेमाल किया है, 200 ml वाली अमूल क्रीम इसमें डाली है हमने। आप चाहो तो इसकी जगह 1 कटोरी फ्रेश क्रीम को फेंट कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अमूल क्रीम को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा क्रीम उसके अंदर रह गया था तो उसको भी डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए क्रीम हो चुकी है अच्छे से मिक्स, और इसमें एक उबाल सा आने लगा है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर, शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रखे थे। है ना, ये सब्जी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सिंपल तरीका बताया ना मैंने। तो ये देखिए हमने ऐड कर दिया फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च, साथ ही में डाल देंगे पनीर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। और इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें। इसे रोटी, चावल, पराठे, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रेसिपीज़ को ट्राई एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।